वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम काव्य राजपूत। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम जा रहे हैं पहलगाँव। पहलगाँव मेरे होटल से 100 किलोमीटर दूर है। और बाकी मैं आपको बता देती हूँ, जो पहलगाँव है वो वहाँ, यहाँ पर कश्मीर में उसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्लेस है। और बाकी आपको कश्मीर के बारे में तो पता ही है, हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत प्लेस है कश्मीर, और उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बाकी हम इस कैब से अभी जाने वाले हैं पहलगाँव के लिए, और बहुत ही फ़न करने वाले हैं। बाकी मैं आगे आपको प्लेस बताती रहूँगी हम कहाँ कहाँ विज़िट करने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं पहलगाँव की तरफ। तो आज फाइनली क्या क्या करने वाले हो आप? क्या करने वाले भैया जी आज घोड़े से जाओगे, हॉर्स राइडिंग करोगे, एप्पल खाओगे, ड्राई फ्रूट्स ले लोगे, केसर के खेत देखोगे, एप्पल के गार्डन्स देखोगे। तो आज हम ये सब करने वाले हैं जी। ओके, और उसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है ना? जी जी, बाइसरन को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। तो अब हम पहुंच गए हैं बिजवाड़ा। पिछवाड़ा फोटो निकाल लेती सर। नो वीडियो। भैया ये कौन सी जगह है? ये है छिछकूट। छिछकूट, हाँ वो लिखा हुआ है। ओके, किचकूट फी प्लाजा। ये कौन सा रास्ता है भैया? ये लिदर रिवर है, पहलगाम पहुंचने वाले हैं हम। पहलगाम पहुंचने वाले हैं जी। और ये कौन सी रिवर है? लिदर रिवर। लिदर रिवर जी। क्या बोल रहे थे भैया? वायलेट कलर के फ्लावर्स होते हैं ये। अच्छा, केसर की पत्ती होती है ना, ये तो स्वर्ग जैसा दिखता है ये बाग। नहीं, बाग तो वैसे भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। बस 10-15 दिन के अंदर इसकी खेती तैयार हो जाएगी। 10-12 दिन के, सिर्फ 10-15 दिन में ही खेती तैयार हो जाएगी? इतनी जल्दी क्यों वैसे? इतनी जल्दी मतलब ये पहले से बोया होता है ना, ये जिसका बोया होता है। अच्छा, एंड में तैयार होता है। ओके, ये चिनार के पेड़ हैं, देखेंगे आप ये वाले के। इसका ले लो। ये कौन सी नदी है भैया? ओके, पाकिस्तान जाती है। अच्छा, ये नदी पाकिस्तान जाती है जी। ओके, वेरी नाइस। ये नदी पाकिस्तान हो जाती है तो भाई क्यों झगड़ा करते हैं पाकिस्तान हमारे यहाँ से पानी जाता है? हेलो सब, ये पॉलिटिशियन लोगों का खेल है। हाँ, दोनों साइड पे केसर उगता है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। दोनों साइड में केसर उगता है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। और नवंबर में इसका खेती तैयार रहता है। इसके छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं केसर के। और श्रीनगर कश्मीर के अंदर यही एक जगह है जहाँ पर केसर उगता है। इस एरिया का नाम पापोर है। इस जगह का नाम पापोर। पापोर, हाँ। ओके, तो ये सिर्फ नवंबर में ही? नवंबर, अक्टूबर नवंबर में। हाँ। अक्टूबर नवंबर में ही उगता है केसर। इस खेत के अंदर खाली केसर उगेगा। ओके, ये बहुत बड़ा बाग बगीचा है यहाँ के लोकल लोगों का है। तो ये यहाँ का फेमस केसर है। पूरे वर्ल्ड के अंदर तीन ही जगह पे केसर उगता है, कश्मीर, ईरान और स्पेन में।
कश्मीर, ईरान और स्पेन में तीन जगह ही केसर उगता है। एक नंबर का कश्मीर में का आता है, दूसरे नंबर पे ईरान का और तीसरे नंबर पे स्पेन का ये आता है। ओके देखो इसके फ्लावर्स जब निकलते हैं ना तो मतलब एक वायलेट कलर का एक व्यू नजारा आता है। देखेंगे पूरा ये पहलगाम है जहाँ पर अभी हम चल रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पर कश्मीर में इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है पहलगाम इस प्लेस को। ये आप देखेंगे यहाँ पर सेब का बगीचा है और चारों तरफ सेब ही सेब नज़र आ रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है सेब के बगीचे में और अभी अभी हमने जूस भी पिया, बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी जूस, एप्पल जूस पिया अभी हमने। और ये आप देखेंगे पूरा सेब का खान लगा हुआ है यहाँ पर चारों तरफ। आपने वीडियो में देख ही लिया होगा हम पहलगाम घूमने गए थे। अगर आपको पहलगाम पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा हमारी न्यू अपडेट्स के लिए। और जल्दी हम लेकर आएंगे आपके लिए एक न्यू ब्लॉग। ओके बाय।